जय शनिदेव मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। हम इस वीडियो में सिर्फ वृषभ लग्न के जातकों के लिए जुलाई 2020 का महीना कैसा रहेगा, सिर्फ उसी पर चर्चा करेंगे। मैं यहाँ आपकी लग्न कुंडली का डिटेल एनालिसिस करता हूँ और ग्रहों की मूवमेंट के अनुसार अर्थात ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको प्रेडिक्शन मैं करता हूँ। देखिए, ये एनालिसिस मैं एक्सेल शीट पर करता हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें मैं बहुत अधिक मेहनत करता हूँ जिससे आपको आपकी कुंडली का डिटेल एनालिसिस प्राप्त होता है। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूँ जो लोग मुझे मेल करते हैं और मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, और आशा करता हूँ कि आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा और मैं अपनी पूरी मेहनत से आपके लिए ये हर महीने का राशिफल एनालिसिस करता रहूँगा। इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ही बहुत अधिक रिसर्च की है, तो मैं जब आपके स्वास्थ्य के बारे में अपने एनालिसिस में बताता हूँ तो आप उसको सीरियसली लें, क्योंकि जान है तो जहान है। आप हेल्दी रहेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और तभी आप और अधिक पैसा कमा पाएंगे। मैं अपने वीडियो के अंत में आपको जो उपाय बताता हूँ वो आपको आपकी वर्तमान स्थिति में जो समस्या आपकी चल रही है, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उसको देखते हुए मैं बनाता हूँ जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके, और ये लाभ आपको जीवन के हर पहलू में दिखेगा, चाहे वो आपके परिवार संबंधित हो या आपके फाइनेंस या वित्त संबंधित हो या आपके कैरियर संबंधित हो या आपके हेल्थ से संबंधित हो। तो ये उपाय आप जरूर करें, और यदि आप इन उपायों को लंबे समय के लिए करते हैं तो आपको इसका दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा, अर्थात आपको लंबे समय तक इसका लाभ प्राप्त होगा। देखिए, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है लग्न के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, या हिंदी में यदि आप कुंडली देख रहे हैं तो आपके प्रथम भाव में ला LA के स्थान पर ला लिखा होगा, तो यह मासिक राशिफल जुलाई 2020 आपके लिए है। बाकी सभी लग्न के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ तारीख यहाँ बताऊंगा जो तारीख जुलाई महीने की महत्वपूर्ण तारीख है। देखिए, जैसे 1 जुलाई को देवशयानी एकादशी है, 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, 5 जुलाई को ही चंद्र ग्रहण है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। 2 जुलाई और 18 जुलाई को प्रदोष व्रत है, और 25 जुलाई को नागपंचमी है, 20 जुलाई को सोमवती मावस है, और 23 जुलाई को हरियाली तीज है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जुलाई के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वृषभ लग्न के जातकों के लिए जुलाई 2020 कैसा रहेगा। यदि हम आपके व्यवसाय और कैरियर की बात करें तो ये समय आपका डटकर मेहनत करने का समय है और भाग्य आपका साथ देता दिखाई देगा। यदि आप ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग मटेरियल के काम से जुड़े हैं तो ये समय आपको अच्छा परिणाम देगा। देखिए, जो लोग वॉइस रिलेटेड कार्य से जुड़े हैं या बिजनेस में हैं, आप लोग थोड़ा इंतज़ार करें। देखिए, जो जातक नौकरी कर रहे हैं वो अभी नौकरी चेंज ना करें, और जो लोग बिजनेस में हैं आप लोग अभी पैसा इन्वेस्ट ना करें। आप 25 जुलाई तक थोड़ा वेट करें, अन्यथा आपको नकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं। जो लोग अनाज के कार्य से जुड़े हैं, जैसे कि दाल चावल आदि के व्यापार से किसी तरह जुड़े हैं, तो वर्तमान समय आपके लिए लाभ देगा और आने वाले समय में आपका व्यापार और अधिक आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो लोग शेयर ट्रेडिंग, कमीशन बेस्ड बिजनेस, इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े हैं, अभी आपको उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स अर्थात सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे जितने आपको मिलने चाहिए, या आप जितने अच्छे परिणाम के लिए वर्तमान समय में सोच रहे हैं कि आपको इतना लाभ होगा, परंतु वर्तमान समय आपको उतना लाभ यहाँ नहीं देगा। इसके लिए आप सतर्क रहें और अधिक पैसा शेयर ट्रेडिंग में ना लगाएं, तो आप लोगों के लिए ये समय ठीक नहीं है, आपको थोड़ा और समय इंतज़ार करना होगा। तो ये था वृषभ लग्न के जातकों के लिए व्यवसाय और कैरियर संबंधी महीना कैसा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी जुलाई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, आपका ये समय स्वास्थ्य को लेकर ठीक नहीं है, कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, आपका खर्चा दवाइयों पर अधिक होने की संभावना है, तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। यदि आपको आँखों से संबंधित बीमारी है
तो 4 और 5 तारीख को वो अधिक बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखना है। 10 से लेके 16 जुलाई के बीच आप बहुत अधिक स्ट्रेस, मानसिक तनाव फील करेंगे, महसूस करेंगे, जिसके कारण आपको नींद आने में भी परेशानी हो सकती है। तो बेहतर है आप थोड़ा मेडिटेशन करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। इन दिनों आपको अपने कार्य से रिलेटेड स्ट्रेस भी बहुत अधिक बढ़ सकता है, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज आप करते रहें। तो ये था आपके स्वास्थ्य संबंधित जुलाई 2020 कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनेंस या वित्त के संबंधित जुलाई 2020 आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, ये समय आपके खर्चों में बहुत अधिक वृद्धि का समय है। आप 19 जुलाई तक अपने मन को शांत रखिए और जो फालतू खर्चे हैं, अननेसेसरी खर्चे जो हैं, उनसे बचें। इन दिनों आपका मन अशांत रहेगा और आप अलग अलग दिशाओं में खर्चा करने की सोचेंगे। आपके दिमाग में आएगा कि मैं इधर भी खर्चा कर दूं, उधर भी खर्चा कर दूं, तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, 3 जुलाई और 29 से 30 जुलाई को आप कहीं पैसा इन्वेस्ट ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। इस दिन ना तो आप किसी से पैसा उधार दें, किसी को पैसा उधार दें, ये आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा आपको बाद में परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। और देखिए, 16 से 18 जुलाई तक आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा, ये लाभ आपके बिजनेस में हो सकता है अथवा आपको कहीं से पैसा मिलने की संभावना है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वो इन दिनों आपको मिलने की संभावना बनी हुई है। तो ये था फाइनेंस या वित्त संबंधित जुलाई 2020 आपके लिए कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि परिवार संबंधित जुलाई 2020 आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, ये समय आपका अपने बच्चों के साथ थोड़ा तनाव बना रहेगा, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। 2 और 3 जुलाई को आपका अपने जीवन साथी के साथ तनाव बढ़ सकता है, इसका भी आप ध्यान रखिए। अन्यथा वर्तमान समय आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते सुधरते आपको दिखाई देंगे, आप अपने जीवन साथी के साथ समय एंजॉय करेंगे और जो मानसिक तनाव आपके रिलेशन को लेकर था, आपको थोड़ा कम होता वो दिखाई देगा। तो ये था जुलाई 2020 आपके परिवार संबंधित कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उन उपायों की जिन्हें करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। देखिए, आप हर बृहस्पतिवार चने की दाल का दान किसी गरीब को करें, आप हर शनिवार भैरव मंदिर जाएं और वहां राहु के बीज मंत्र ओम ब्रह्म ब्रीम ब्रोम सहरावे नमः, इस मंत्र के जाप की 11 माला आपने करनी है। आप सूर्यास्त के बाद रोज कुत्तों को रोटी खिलाएं। देखिए, आप 4 जुलाई को 5 काले कंबल लें, तिल का तेल लें और मिठाई लें और किसी अनाथालय में उसको दान करें, इस डेट का आपने विशेष ध्यान रखना है, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा या विवाह में अड़चनें आ रही हैं, उनको 2 जुलाई और 18 जुलाई को प्रदोष व्रत करना चाहिए और उस दिन आपको सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और आप शिव मंदिर जाएं और वहां मंदिर में बैठकर आप 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। आप इस दिन शिव चालीसा पढ़ें और छोटी कन्याओं को भोजन खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और विवाह में आने वाली सभी मुश्किलें और अड़चनें आपकी दूर होंगी। आपको इन उपायों से जरूर लाभ प्राप्त होगा। तो ये थे वो उपाय जो आपको जुलाई के महीने में करने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वृषभ लग्न के जातकों के लिए जुलाई के महीने में वो कौन सा शुभ दिन रहेगा और अशुभ दिन रहेगा। देखिए, अगर हम शुभ दिन की बात करें तो 15 जुलाई आपके लिए शुभ दिन है और यदि हम अशुभ दिन की बात करें तो 22 जुलाई आपके लिए अशुभ दिन है। तो यदि आप कोई नया काम इस दिन करने की सोच रहे हैं तो इस दिन ना करें। तो ये था वृषभ लग्न के जातकों के लिए जुलाई 2020 कैसा रहेगा। शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।